बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार की बात है, इब्लिस सारे शैतानों का हिसाब किताब कर रहा था कि किसने कितने गुनाह किसको करवाए हैं। कोई शैतान बोलता है कि मैंने जिना करवाया है, कोई बोलता है मैंने चोरी करवाई है, कोई बोलता है कि मैंने कत्ल करवाया है। तभी वहाँ पर एक शैतान आता है, वो बोलता है कि मैंने एक इंसान को इल्मे दीन हासिल करने से रोका है। तो तभी इब्लिस खुश हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। तो वहाँ पर जितने भी शैतान होते हैं वो बोलते हैं कि हम इससे बड़े बड़े गुनाह करवा के आए हैं, मगर हमें शाबाशी नहीं मिली और आप इसके इतने छोटे से गुनाह पर खुश हो रहे हो। ये बात सुनकर इब्लिस सबको एक मस्जिद के पास ले जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा होता है। इब्लिस उसको रोक कर उस आदमी से पूछता है, क्या तुम अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हो? तो वह आदमी बोलता है कि हाँ, मैं अल्लाह की रहमत पर यकीन करता हूँ। तो फिर इब्लिस उसको एक बॉटल दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा अल्लाह इस बॉटल में पूरी दुनिया को भर सकता है? तो वो आदमी बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतनी छोटी सी बॉटल में इतनी बड़ी दुनिया कैसे आएगी? ये बोलकर वो आदमी चले जाता है। फिर वहीं से एक आलिम गुजर रहा होता है। इब्लिस उससे भी यही सवाल पूछता है। तो आलिम बोलता है कि ये दुनिया क्या, उसकी रहमत तो इतनी बड़ी है कि वो पूरी कायनात भी इस बॉटल के अंदर भर सकता है। सबक: इल्मे दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इल्मे दीन हासिल करने से ही अल्लाह पर अकीदा बढ़ेगा। और कोई बच्चा जब इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्तों के पर उस बच्चे के कदमों पर होते हैं।